बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज असी लोक गीत तो लोक गीतां विच फसलां दा जिक्र ते नाले गहणियां ते संघार दा जिक्र टॉपिक करांगे जी। तो सब तो पहले देखदे हां लोक गीत की हुंदे ने। इहदी तारीफ अख्तर शुमार ने की है कि वह गीत जिहड़े सदियां तो सीना बसीना लोकां दे दिलां विच वसदे ने ते एक मुसन्नफ दी तखलीक दी बजाय सारी लुकाई दा तखलीकी अमल करार दिते जांदे ने। इहनां गीतां नूं लोक गीत आख्या जांदा है। डॉक्टर असमतुल्ला जाहद कहिंदे ने कि लोक गीत की सनफ तकरीबन दुनिया की हर जुबान हर कौम हर कबीले हर मुलक ते हर इलाके विच मौजूद है। यानी इन्हां दा कोई बकायदा लखारी नहीं हुंदा बल्कि सीना बसीना चले आने वाले गीत हुंदे ने जिहड़े कि आम लोगों ने घड़े हुए हुंदे ने। लोक गीतां दे लखारियां की जे गल की जाए तो मुटियारां ते गभरूआं दे मूहों आप मुहारे निकल वाले जज्बे ते ख्याल हुंदे ने, किसी एक शायर की घड़त नहीं हुंदे है। लोक गीतां दी जुबान जिहड़ी है वह आम लोगों की जुबान ते लहजियां दा नमूना हुंदी है। माशरे की तर्जमानी की गई हुंदी है। सादे लफ्जां नाल सीधे सादे जज्बियां दा इजहार किया गया हुंदा है। लसानी इलमी तहजीबी ते सकाफती पक्षों जानदार हुंदे ने। लोक गीतां दा जिहड़ा फन खलार है यानी लोगों तक मजीद जिहड़ा फैलाओ है वह लोक फनकारां राही हुंदा है। साढ़े लोक गीत अड्डी रहतल बैतल दे अमीन ने पंजाब दे वसेब दी मुकम्मल तस्वीर है जिहड़ी अटक दे संगलाख चट्टाना तो लैके चोलस्तान ते रोही तीकर दे वक्खो वक्ख इलाके दीआं सदियां पुराणियां तस्वीरां दे रंगां नाल भरी होई है। तादाद दे हवाले नाल देखा जाए तो अनगिनत ने वक्खो वक्ख सनफां भी बहुत सारी तादाद विच मौजूद ने। ये मुख्तसर तारफ असी करा दिता जी लोक गीत हुंदे किहड़े ने। हुण असी देखदे हां कि लोक गीतां विच तहजीब ते सकाफत तहजीब व सकाफत बाद चो करांगे। फसलां दा जिक्र देखदे ने कि लोक गीतां विच सानू मुख्तलिफ फसलां दा जिक्र मिलदा है। मसलन वंगी देखो, मैं बीजां वे गाजरां तू पानी देंदा जाई, मैं तेरी वे रांझणा तू है मेरा साई। ये गाजरां की फसल का जिक्र किया गया है तो नाल जिहड़ा वा वह प्यार मुहब्बत का जिक्र किया गया है। इस तरह छोले पक गए ने असा हुण की रोना तदी हंजू डक लए ने। ये हिजर विछड़े फराक का जिक्र किया गया उन्होंने छोलियां की फसल के नाल तशबीह दे के जड़ा वा अपना अपने जज्बात का इजहार किया गया है। फिर इस तरह पालक भेरी दी मैं पुत कमियां दा तू दीए वडेरे दी दे विच समाजी वंड तबकाती वंड नू सामने रख के प्यार मुहब्बत दा जड़ा वैन है वह एक गाया गया है। ते इस तरह कणकां कप छोड़ो मूहों भावें ना बोलो अखी भर के तो तक छोड़ो, ये अपने एक जज्बे का इजहार किया जा रहा है, ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। कोई बूटा अमरूदा दा तेरी मेरी एक जिंदड़ी विच फर्क वजूदा दा, ये मुहब्बत करन वालियां नू एक जिंदड़ी दे विच परोया गया है, एक जिंदड़ी आख्या गया है। इस तरह सानू यानी लोक गीतां दे विच प्यार मुहब्बत हिजर विछोड़ा खास तौर पर फसलों के हवाले नाल सारिया चीज़ा जिहड़े सारे मौजूआत जिहड़े ने सानू इहदे विच तबकाती वंड समाजी शऊर माशरती मसाइल सानू इहदे विच देखण नू मिलदे ने। हुण असीं देखदे हां कि लोक गीतां विच गहणियां ते संघार दे बारे च की कंट्रीब्यूशन है। ते गहणियां दी तारीख उन्नी कदीम है जिन्नी कि इंसानी हयाती। जे इंज आखिए भी इन्हां इंसान दी धरती उत्ते कदम रखण दे नाल ही वजूद पा लिया सी तां गलत नहीं होवेगा। इंसान जदों गैर तहजीब याफ्ता सी उदों भी गहणियां दा ढेर रसिया सी। कई पारख पड़चोलियां तो पता लगता है कि कदीम अहद विच संघार दा की मकाम सी ते सवाणियां किवें संघार नू अपने जुस्से उत्ते सजांदियां सन संघार करदियां सन गहने पांदियां सन। ये सानू कदीम जिहड़े मसलन विल ड्यूरेंट तो भी पता चलता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो दी तहसीबां तो भी पता चलता है। सवाणी चाहे किसी कबीले किसी मुलक नसल नाल तालक रखती होवे पर गहणियां दी रसिया जरूर होवेगी। यह सच है कि सवाणी नूं जिहड़ियां चंद शयां ढेर प्यारियां हुंदियां ने उहनां विचों गहने भी एक ने। जिथों तिकर गीतां दा तालुक है तो गीतां विच हार संघार ते गहणियां दा ढेर जिक्र मिलदा है। यह गहने सिदरां चा होके हावां ते दिल दीआं होर कई वारदातां ते कैफियतां दे तर्जमान जापदे ने। कलीम शहजाद फरमांदे ने कि सानू पंजाबी लोक गीतां दे मुताले तों यह भी पता लगदा है कि इहनां विच गहणियां दे हवाले नाल दिल दीआं कैफियतां उत्ते वरद होण वालीआं हालतां दा बयान भी डाढा मिलदा है। कहण दा मतलब है भई गहणियां दे हवाले नाल मटियारां अपणियां दिलां विच पुंगर वालियां जज्बियां दी गल भी करन जांदियां ने। सवाणी सारी उम्र गहणियां दी मंग करदी रहिंदी है। हयाती दे किसे पल ते किसे रुते भी किसे रत्ते भी उहदी इह सिदर मठी नहीं पैंदी। मसलन कहा जांदा है कि रवी वाही नूं घड़ा दे टुंबां शरीका नक वड़दा।
पर कौंत विचारा जड़ा वा कामा मजदूर है, वह कितों मुटियार दे दिल दियां पूरियां करे, वह उहदे सुफनियां नूं किंज व्याहवे। वह अगों आखदा है, तैनू किदां मैं घड़ा दियां गहना, मेरा यह कड़ा हल वग दे। उतले गावणा तो यह गल यह भी सामने आती है कि माशरे विच अपने कद नूं उच्चा करन लई भी सवाणियां गहने वरतदियां ने, तां जे लोकां नूं पता चले कि यह रजे पुजे घर दी नूं दीए ते शरीका उहनूं वेख वेख झरे। जदों घर वाली तंग करनों खलौंदी ही नहीं, तो कौंत इस तरह जान छड़ावन का चारा करता है। कौंत यानी उहदा शोहर, वह कहिंदा है कि मज वेच के बना ले टुंबा, मक्खन जे नहीं हो पचदा। तो आख्या जांदा है कि सुनखा घर औलाद ते जेवर औरत दी कमजोरी ने, ते कमजोरी कोई भी होवे हमेशा इंसान उते हुक्मरानी कर दी है। इत्थे भी जदों कौंत ओ मज वेच के टोंबा बनावन वाली गल छेड़दा है जिहड़ी उहदे मापिआं दित्ती हुई है, तां जनानी नूं ढेर कावड़ चढ़दी है ते ओह अगों मैणा मारदी है, सारे ते गहने मैनूं मापिआं ने पाए, इक्को तवीत उहदे घर दा नहीं, जदों लड़दा ते लाहदे लाहदे करदा नहीं। ते सानूं लोक गीतां दे विच जिहड़ा ना कुछ तंज और मजाक भी देखने मिलता है, साड़ी आम रैतल दियां गल्लां ने। फिर जदों कोई गल नहीं बनती तो वह सबर कर बहिंदी है, पर उतों उतों सबर जिहड़ा करदी उतों उतों करदी है, अंदरों अंदर दी चिंता दा राह डक्कन उहदे वसों बाहर दी गल है। उहनूं जदों कोई टुंबा वाली नज़र आउंदी है तां उहदे अंदर दे फट जाग पैंदे ने ते उह सोहरियां नूं चंगा दबालदी है। इत्थे वेखण वाली गल इह वे कि उह अपने मापिआं दे खिलाफ़ कोई गल नहीं करदी। टोंबा नूं होवन दा दोष सिर्फ ना होवन दा दोष सिर्फ सोहरियां दे सिर ही मुड़दी है। मसलन जाली दा लीड़ा नहीं मैं खिंगर उत्ते धोनी हाँ, लोकां पईआं टोंबा नहीं मैं सोहरे नूं रोनी हाँ। जदों इह गल सोहरे टब्बर ताईं अपड़दी है भी साडी नूं सानूं शरीके विच वंडदी फिरदी है, तां उह आखदे ने बकरी दे खुर जिन्नीए तैनूं छज गहिणे दा पाया। जिथे सानू औरत गहणियां दी लालची ते रस्सिया नज़र आउंदी है, उत्थे गहणियां नू कुरबान करन दे जज्बात भी सानू मिलदे ने। मसलन दिलां दे मामले ते गहणियां नू जे देखा जाए, तो जदों दिलां दे मामले आ जावन ते फिर गहणियां दे छज की हयाती दे गहणे भी दिल दे जानियां तों वार दिते जांदे ने। यह साढ़े देश पंजाब की अजली रीत है, जिहदियां कहानियां इस भूरी मिट्टी के जरे जरे विच खिलरियां पईआं ने। यह गावन वेखो जिस विच जनानी अपने कौंत नूं डक्कन दा आहर कर रही है, क्यों जे उहदे गहनियां दा रूप सहपन ते उहदे सोहने नाल ही है। उसनूं कहिंदी गहने नूं मैं फूकां नौकरी ना जावे। साढ़े देश पंजाब दे सूरमे ही अनखी नहीं सवाणियां भी अनखां ते शर्म वालियां ने, जिहड़ियां अपने मापिआं दी लज पालदियां ने ते अपने कौंत दा शिमला उच्चा रखण लई तन मन ते धन कुरबान कर छड्डदियां ने। जे यकीन ना आवे ते इह सबूत वेख लो, टोंबां वेच के मामला दे दे सनाई ना शरीके नूं, यानी अपने शोहर दी इज्जत रखण खातर भी औरतां जिहड़ियां ने उह अपना जेवर वेच दिंदियां ने। इत्थे आ के गहने सानवी हैसियत अख्तियार कर जाते हैं, तो सवानी नूं अपनी ते अपने सकियां दी इज्जत अनाह ते प्यार जिहड़ा ओ उत्ता हो जाता है, उचेरा हो जाता है। असीं इस मुताले मगरों यह गल आख सकते हाँ कि भावें गहने पंजाबणा की कमजोरी ने, पर यह कमजोरी उन्हां दी जात ते हुक्मरानी नहीं करती। तो जदों भी किधरे अनख अनाह या प्यार प्रीत नूं तोड़ चाढ़न लई कोई औखी घड़ी पहुँचती है, तो इन्हां कर्मां वालियां ने अपने गहने वारण विच पल भर भी सोच विचार नहीं की। इत्ते गहणियां दे हवाले नाल असीं मजमूई गल कीती है, हुण असीं गहणियां ते संघार दे हवाले नाल जिहड़ा वा उह कुछ होर गल्लां, मसलन कुछ गहणियां ते संघारां दे बारे च कुछ गल्लां करदे ने। मसलन बांह दे गहणियां दे विचों असीं चूड़ा या चूड़ी नूं अगर देखिए, तो चूड़ियां सोने चांदी काचियां किसी होर धात दियां बनाईआं जांदियां ने। सोने दियां चूड़ियां गहणियां विच खास अहमियत रखदियां ने, इहदे बगैर वेंदियां छड़ियां ते बेरौनक लगदियां ने। इह गोरियां बाहवां दा गहना है, चूड़ियां खुशियां चावां ते सुहाग दी अलामत ने। कदीमी रीत है कि व्याही सवाणी दा कौंत अल्लाह सोने नूं प्यारा हो जावे तो उह अपने हाथ दा चूड़ा बन्न दिंदी है या बन्न दित्ता जांदा है। इंज सोने चांदी दियां चूड़ियां विच ला दित्तियां जांदियां ने। गीतां विच चूड़े दा वधेरा जिक्र मिलदा है। जिहड़ा तकन हारे वेखण वाला है उहनूं सोने दी कोई अदा भी मोह सकदी है, भावें उह मोरां जिही चाल होवे या मरग जिही अख, पतला पतंग लक होवे या सुपनी जिही गुत, तलवार जिहा नक होवे या कलियां रंगे दंद, ते भावें चूड़ी वाली गोरी नरम कलाई।
मसलन वंगी वेखो कि चूड़े वाली बांह कढ के मुंडा मोलिया तवीतां वाला। इस लोक गीत विच चूड़े का जिक्र आ गया है। हुण असी पैरां दे गहणियां विचों पजेब की गल करते हैं। पजेब पंजेब या पाजेब पैरां दा गहना है जिहड़ियां सोने या चांदी नाल बनाईयां जांदियां ने। मटियारां दा मन भावना गहना है। गावना विच पजेबां दा वावा जिक्र मिलदा है। ये पैरां नाल रल के अथरे फरेब करदी है ते इस तरह जोबन अदावां भी तर्जमान बन जांदी है। मटियार पैरां नूं दो मांज के पजेब पाउंदी है क्यों जे पजेबां दी दिख जिहड़ी आ गोरे चिट्टे साफ सुथरे ते धोते मांजे पैरां नाल चूणी हो जांदी है। मसलन वंगी वेखो कि कहिंदे ने पैर धो के पंजेबां पाउंदी शौंकन मेले दी। इस तरह झांजर जिहड़ी उह भी पैर दा गहना है। झांजर सवाणियां दे पैरां पैरीं पावन वाला गहना है जिवें निक्के निक्के घुंगरुआं दी जिहनूं निक्के निक्के घुंगरुआं दी झालर हुंदी है जिहड़ी टुरियां खड़कदी है। पंजाबी गीतां विच झांजर दी छनकार दा ढेर रौला सुनाई दिंदा है। झांजरां दी छनकार अख झमकण तों पहलां सीने पार करके दिलां तक जा पहुँचदी है। इंज आख लो भी इह अंग्रेजी तार है ते इहदे बारे च सानूं लोक गीतां विच इदां मिल लोक गीतां विच इह वंगी मिलदी है। ये झांजरां तार अंग्रेजी मिंटां च देण खबरां। जे सिर दे गहणियां दी गल करिए तां क्लिप या सूईयां नूं देखदे हां कि इहनां नूं जुल्फां विच सजाया जांदा है। क्लिप वालां दी खूबसूरती लई वरत्या जांदा है। सोने चांदी प्लास्टिक या किसी होर शै दा भी हो सकदा है। क्लिप रूपां दी राणी दियां कालियां गट्टां जिहां जुल्फां नाल रल के इहो जिहा हनेर पाउंदा है कि राहियां नूं राह भुल जांदे ने। चन्न चढ़ के उह आया कालियां क्लिपां वालीए तेरी गुत ने हनेर पाया। फिर असी कन्नां दे गहणियां दा जिक्र करिए ते इहनां विचों कांटे आ जांदे ने ते कांटियां दी हयियत दे हवाले नाल कोई खास शकल नहीं मिथी जा सकदी। आम तौर ते वाले वालियां नूं ही कांटे कह दिता जांदा है। वंगी वेखो कन्नी कांटे पाए हुए ने साडे नालों बटन चंगे जिहड़े सीने नाल लाए हुए ने। इहदे विच बटनां दा जिक्र भी आ गया है ते कांटियां दा जिक्र भी आ गया है। गल दे गहने वे जे वेखिए तो तवीत या तवीतड़ी दे बारे च गल करदे हां कि तवीत ते तवीतड़ी गल विच पावन वाला गहना है जिहनूं सवाणियां ते तूं वख जणे भी पाउंदे ने यानी मर्द भी पाउंदे ने। इह सोने या चांदी दा बणिया हुंदा है जिहनूं धागे दी डोरी नाल गल विच पाया जांदा है। बंदा जिहदे नाल प्यार करदा होवे उहनूं तकियां ही दिल नहीं भरदा बल्कि उहनूं हिक नाल लावण नूं वी जी करदा है। ते तवीत क्यों जे हर पल हिक नाल लग्या रहिंदा है। इसलिए मुटियार अपने माही नूं तवीत बनावण दी चाह रखदी है। इह कुरबत दे जार दा सुनखा डंग है। कहिंदी है डोर वट के गल दे विच पावां मित्रा तवीत बन जा। इस तरह सानूं गीतां विच मुहावरियां दा इस्तेमाल देखिए तो वी वधेरे सुचे ढंग नाल वरते गए ने। जिवें इह मुहावरा सुख के तवीत होवन है जिहदे मानी ने किसे गम या दुख परों गुल गुल के मुक जावन। इह मुहावरा गीत राहीं वेखो मुंडा तेरियां गमां ने खा लिया सुख के तवीत हो गया। नक दे गहणियां नूं देखिए तो किल ते किल दी गल करदे हां कि सोना या चांदी नाल बनाया गया यह गहना सवाणियां नक विच वधेरी चाह नाल पाउंदियां ने। किल आम करके माहियां दे पहले मिसरियां विच वधेरे नज़र आउंदा है। माहिया एक लोक सनफ है जिहड़ा कि जिहड़ा पहला मिसरा जिहड़ा वा वह अद्ध मिसरिया हुंदा वा ते बाकी दा मिसरा जिहड़ा डेढ़ टोटल डेढ़ मिसरिया हुंदा है। एक अद्धा मिसरा हुंदा एक पूरा मिसरा हुंदा। मसलन देखो सोने दीनी किल माहिया लोकां दीआं रोवन अखियां साढ़े रोंदे ने दिल माहिया। ये माहिया तको इंज जापदा है जिवें किल भी उडीकन हार मटियार दे नाल रल के माही नूं उडीक रहा है। सोने दा किल माहिया हुण ते तूं लै आ छुट्टियां साडा लगदा नहीं दिल माहिया। इस तरह नक दे गहणियां दे विच लौंग भी इंपोर्टेंट है। यह उभरिया होया निक्का जिहा फल हुंदा है जिहड़ा नक दे खब्बे पासे पाया जांदा है। सवाणियां दा यह गहना सोने या चांदी नाल बनदा है। गीतां विच लौंग दा ढेर जिक्र मिलदा है। लौंग हालियां दे हल डक लैंदा है। दरअसल इहदी लश्क हालियां दे पैरां दी जंजीर बन जांदी है ते हालियां दा रुकन हालियां दे हल डक लैंदा है। मसलन तेरे लौंग दा प्या लश्कारा तां हालियां ने हल डक लए। हत्थ दे गहणियां दी गल करिए ते छल्ला सोने चांदी या किसी होर धात दा बणिया होया गोल रंग हुंदा है जिहनूं गोल रिंग हुंदा है जिहनूं हत्थ दे किसी भी उंगली विच पाया जा सकदा है। छल्ला मर्द दे सवाणियां दोहें पांदे ने। गावणा विच छल्लियां दा ढेर जिक्र मिलदा है। छल्ला प्यार प्रीत दी निशानी है जिहड़ा मुंदरी वांगर
एक दूजे नूं दित्ता ते लिया जांदा है। प्यार प्रीत विच कई बार छला चोलां दा मुढ भी बनदा है। प्यार प्रीत दे इजहार दी मूरत इस गावन राही तको, सड़कां ते रोड़ी आ नाले मेरा छला ला लिया नाले उंगल मरोड़ी आ। जिमें असी संघार हारां दा जिक्र किया है, गहणियां दा जिक्र किया, हुण असी संघार दा भी जिक्र करांगे क्योंकि संघार भी लोक गीतां विच जिहड़ा ओह सानूं देखण नूं मिलदे ने। मसलन परांदा या गुत दी जे गल करिए ते गुत खिलरे वालां नूं कंजन ते खूबसूरती लई वरती जांदी है। इस खूबसूरती नूं वधावण लई गुत दे नाल धागे दे बने मुख्तलिफ रंगां ते डिजाइनां दे परांदे पाए जांदे ने। गुत हर उम्र दी सुहाणी करदी है, बालड़ी तों लै के वडेरियां तक गुत्तां करके परांदे पाउंदियां ने। गीतां विच इस हवाले नाल कई रंग मिलदे ने। नूं ते सस विचकार इख्तियार ते बेइख्तियारी दी जंग दा नक्शा इस गावन राहीं वेखो कि नूं आवन वाले वेले विच इह जंग जित के सस दी गुत गलियां विच रोलन दे सुफने वेख रही है। ते इस तरह गुत नूं अनख अनाथ इज्जत दी अलामत भी आख सकने हैं। ससे पैर टिक लैण दे तेरी गुत गलियां विच रोलां, छाला मारदी गुत आल दुआले हनेर पा दिंदी है। जिहदे अगे वेखण हारां नूं अपनी हयाती दा चन्न डुबदा जापदा है। चन्न चढ़ के ओह आया कालियां कलिपां वालीए तेरी गुत ने हनेर पाया। ये असी पहले भी जिहड़ा कर कलिपां वाले लोक गीत विच कर चुके हैं। इस तरह जे सुरखी नूं देखा जाए तो सुरखी सवाणियां दे हार संगार दा अंग है। ये मुख्तलिफ रंगां विच हुंदी है जिहदे नाल होंठ रंगे जांदे ने। सवाणियां अपनी पसंद मुताबक या अपने बाने दे रंग नाल मिला के वरतदियां ने ते इस तरह अपने हुसन विच वाधा करदियां ने। यह औरत दी नफसियात है कि दूजियां नूं मुतासर करना चाहती है ते दूजियां तों सोहणा नज़र आना चाहती है। इस गावन विच माई लई सुरखी लावन वाली मुटियार अपने देवर नूं चिट्टा नंगा जवाब दे रही है कि मैं तेरे बाजरे की राखी नहीं कर सकती हाँ, क्यों जे होकरे मेरिया ज क्योंकि जे होकरे मारियां मेरिया होंठां की सुरखी लेंदी है ते सुरखी लैण नाल मेरा हुसन खराब हुंदा है। तेरे बाजरे की राखी देवरा मैं ना बहिंदी वे, जे मैं सीटी मार अडावां मेरी सुरखी लेंदी वे। सुरखी चावां ते खुशियां दी नुमाइंदगी करदी है, चावां ते खुशियां रुस जावां ते इहदे रंग वी उड़ जांदे ने। इसे तरह सुरमे दी गल कीती जाए तो सुरमा एक खास किस्म दा पत्थर है जिहड़ा काले रंग दा हुंदा है। इहनूं बरीक रगड़ के अखां विच पाया जांदा है। सुरमा पावन जिथे फैशन है उत्थे इहनूं दारू दे तौर ते भी वरत्या जांदा है। सुन्नत रसूल भी है जिहदा जिक्र कई हदीसां विच मिलदा है। मटियारां इहनूं वधेरी चाह नाल पाउंदियां ने ते सुरमे बनियां अखां खूबसूरती दी अलामत ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰਮੇ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਮਾ ਮਟਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਭਰੇ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੂਪ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਰੋਲੀ ਆ ਅਸਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੀ ਕਰ ਛੋੜੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਵੱਸਦਾ ਸੁਰਮਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੜੇ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਾਨਾ ਹੈ। ਗਾਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵਧੇਰੇ ਇਹਤਮਾਮ ਅਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਵੰਗੀ ਵੇਖੋ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਗਾਨਾ ਹੈ, ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਨੱਥ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਕਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੰਗ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਏ ਹਿਜਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਫਿੱਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਰੇ ਇਹਤਮਾਮ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੰਗੀ ਵੇਖੋ, ਡੋਲਕ ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਨ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਨੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਡੀਕਣ ਹਾਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੱਥੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਯਾਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੀ ਦੇ ਆਵਣ ਦੀ ਪਿਆਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ
ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹੇ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਮਾਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਆਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇਵਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਨਾਵਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੰਗ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੌਰ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸਰਬੰਧ ਹੈ। ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਨਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਵੰਗੀ ਵੇਖੋ, ਕੁੜਤਾ ਮਲਮਲ ਦਾ, ਸੱਜਣ ਜੀ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਲਗਲ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਜਾਂ ਚਾਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਦਰ ਅਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਹਯਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਓ ਹਯਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਲਾਮਤ। ਇਸ ਗਾਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਦਰ ਲਹਿਣ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਜਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਡਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਦਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਹੀਆ। ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੀ, ਅਤੇ ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਢੋਲਨ ਮਾਹੀ ਰੁਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਲਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਫਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਦੀ, ਜੋ ਢੋਲ ਰੁਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਨਾਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਈਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮਿਸਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੋ ਸਕਾਫਤ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।